आजा। ये ले, तेरा पूरा 3 पेटी। देख, बिल्कुल सही कीमत दे रहा हूं, पूरे बाजार में तेरे को इससे ज्यादा कोई नहीं देगा। और फिर तू तो जानता ही है कि एक मैं ही हूं जो चोरी की गाड़ियों को खरीदने बेचने का काम करता हूं। ये ले, पुलिस को भनक तक नहीं लगेगी। अशोक कदम, यह उस शख्स का नाम था जिसकी हत्या हुई थी। लाश के पास से बरामद हुए ड्राइविंग लाइसेंस से मृतक की पहचान हुई। अशोक कदम के घर में उसकी मौत की खबर सुनकर मातम छा गया। पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी गुनहगारों तक पहुंचने की, लेकिन इस जुर्म को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड तक पहुंचने में कई साल लग गए, क्योंकि सुराग के तौर पर पुलिस के पास सिर्फ एक नाम था। अरे सुनो, कैलाश नाम के आदमी को जानते हो जो इस एरिया में टैक्सी चलाता है? कुछ पता है उसके बारे में? कैलाश नाम के आदमी को जानते हो जो टैक्सी चलाता है? कैलाश नाम है, टैक्सी चलाता है यहीं विक्रोली में। मैं किसी कैलाश को नहीं जानता। अरे गौरव भाई। अरे सुलेमान, कैसे हो? क्या हाल है? बस बढ़िया। क्या बात है भाई, आज तुम करवाने वाले हो क्या बोनी? बोल, किधर जाने का है? कहीं जाना नहीं गौरव भाई। फिर? किसी के बारे में जानना था। किसके बारे में? कोई कैलाश करके एक बंदा है। कैलाश क्या? अब यही तो पंगा है, पूरा नाम पता हो तो कुंडली खुद नहीं निकाल दूं। तो भाई कोई फोटो वोटो होगी उसकी? बस इतना पता है कि टैक्सी चलाता है, शायद विक्रोली में। तू एक काम कर, घाटकों पर जा। देख, अगर विक्रोली की टैक्सी है तो घाटकों पर से सवारी जरूर उठाता होगा। बाकी मैं अपने दोस्तों में पूछवाता हूँ यहाँ पे। चलो पक्का पूछना। हाँ, चल मिलते हैं भाई। पुलिस अशोक कदम की हत्या के मास्टरमाइंड कैलाश को ढूंढ रही थी। उनके पास सिर्फ इतनी जानकारी थी कि कैलाश एक टैक्सी ड्राइवर है। सारी कोशिशों के बावजूद भी पुलिस कैलाश का पता नहीं लगा पाई थी। इन्वेस्टिगेशन मानो रुक गई थी, लेकिन कैलाश रुकने वाला नहीं था। वो एक और हत्या की योजना बना चुका था और बहुत जल्द उसे अंजाम देने वाला था। और कितनी देर लगेगी? मरने वाले का नाम पुष्कर पटेल था, उम्र 45 साल। लाश काफी सड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी मृतक की बीवी और बेटे ने उसकी पहचान कर ली। पुष्कर पटेल का केस एक्सीडेंटल डेथ करार देकर बंद कर दिया गया, जबकि उसकी हत्या हुई थी। अशोक कदम और पुष्कर पटेल, इन दोनों की मौत सन 2011 में हुई थी, वो भी 1 महीने के अंतराल में। अगले 4 सालों तक इन दोनों की हत्या की गुत्थी सुलझ नहीं पाई, लेकिन 2015 में इस जुर्म की सच्चाई सामने आई और जरिया बना खुद एक जुर्म, एक ऐसा जुर्म जिसकी योजना अभी बुनी जा रही थी। ₹5,000 स्कूल की फीस, वो भी ये हाफ टिकट के। इतना तो अपना खोली का भाड़ा नहीं है। बस हाँ गौरव, बहुत बहाने बना लिए तुमने। कब से बोल रही हूँ मैं, 4 साल का हो गया अपना महेश, आजकल 2-2.5 साल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कब जाएगा अपना महेश? मेरे को कुछ नहीं पता, इस साल मेरे को महेश का एडमिशन स्कूल में करवाने का है बस। हाँ ठीक है, हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, अगले महीने स्कूल की बोला ना, हो जाएगा। काय को सवेरे सवेरे कान पे हॉर्न बजाती है, सुबह होते दिमाग पे हथौड़े मारने शुरू कर देती है।
तुलसी नगर बैठो। जल्दबाजी करना ठीक नहीं, मुझे लगता है एक बार फिर से जगह दिखानी चाहिए। जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे। अबे एक हफ्ते से यही तो कर रहे हैं, कितना सोचेंगे। लोहा गरम है, मार देते हैं हथौड़ा। राम जी तुम इतने उतावले क्यों रहते हो और तुम इतने डरे हुए क्यों रहते हो यार? डरता नहीं हूं मैं, पर जब बात लाखों की आती है तो। अबे लबरे, जब देखो झगड़ते रहते हो मियां बीवी की तरह, ऐसे ही झगड़ते रहे तो हो गया काम। सुरेश भाव, ये राजू एक नंबर का फट्टू है, मैं तो कहता हूँ इसको रहने दो, इस काम के लिए हम दोनों ही काफी हैं। ए राम जी तू जास्ती उड़ मत समझा ना। कहाँ फंस गया हूँ मैं, एक तो साइट पे कॉन्ट्रेक्टर साला पैसे काट काट के देता है और यहाँ तुम। इतना अच्छा मौका हाथ आया और तुम लोग मुहूर्त देख के बैठे हो। सच में मौके पे चौका मारना आता ही नहीं है तुम लोगों को। ए तू जितना उतावला होगा ना उतना विकेट तेरा जल्दी गिरेगा, थोड़ा सब्र रख समझा। ए भाई दोस्त तू लगा ना गाना बना यार। खैर तुलसीनगर पूरा नक्शा दिमाग में छप गया है, अब और देर नहीं करनी चाहिए हमें। मुझे लगता है हमें कुछ देर। पता था मुझे तू यही बोलेगा। तो गलत क्या बोला हा? याद रखना जल्दबाजी करने वाला अपनी जुबान भी चला लेता है और चाय का मजा भी नहीं। प्रवचन मत दे मुझे समझा। सुरेश भाव समझा दो इसको। ए तुम लोग का भाई, चले काम करते, आज एक बार फिर नजर मार के आते, फिर तय करते क्या करना है। सुरेश भाव ज्यादा नजरें घुमाएंगे ना तो किसी की नजर में आ जाएंगे। मेरी मानो किसी को हम पे शक हो उसके पहले काम करते और चुपचाप सुमड़ी में निकल लेते हैं। तू हर वक्त घोड़े पर सवार क्यों रहता है राम जी हा? देख सुरेश भाव सही कह रहे हैं, आज चक्कर मारते हैं माणिकपुरी का, फिर तय करेंगे कब श्री गणेशा करना है सही दिन देखकर। और देखो और घूमो अबे, और चाहो तो पंडित जी से मुहूर्त भी निकलवा लो, ऐसे तो काम हो गया। पर अरे ए राम जी अब कहाँ जा रहे हो? है कुछ काम। सीधे बोलो ना, दारू पीने जा रहे हो, बच्चे की स्कूल फीस देने के लिए। तेरी ना बहुत मचमच हो रही है अभी, तेरे को एक बार बोला ना मैंने बंदोबस्त हो जाएगा तो फिर काय को एक ही रिकॉर्ड बजाती रहती है तू। कब होगा अगले महीने? तेरे को मैंने बोल दिया ना हो जाएगा बंदोबस्त, सो जा चुपचाप। तुलसी नगर
बैठो। रोज का जाने का है तो भाड़ा बांध लो, बोलोगे तो रात में भी आ जाऊंगा। नहीं नहीं वो जरूरत नहीं है, दो तीन दिन का ही काम बाकी है। तुम तीनों क्या कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हो? हाँ हाँ वो कारीगर है हम लोग। अच्छा, मैं बिजली का काम करता हूँ और ये दोनों मिस्त्री का। तीनों एक ही गांव से हो? कौन से गांव से? बस भाई अब तो मुंबई के होके रह गए भाई। हाँ लेकिन मुंबई जैसी जगह में रहना और खाना आसान तो है नहीं, मुश्किल तो होती होगी। अब मुझे ही ले लो, इतना कमा लेता हूँ कि पेट भर जाए, मगर जी नहीं भरता। तुम लोगों को नहीं लगता ऐसा? सुनो भाई, साफ साफ बोल देता हूँ, अपने को भी पैसा बनाने का है। मेरे को मालूम है तुम लोग कुछ बड़ा करने वाले हो, मैं भी तुम लोगों के प्लान का हिस्सा हो सकता हूँ क्या? एक जुर्म की योजना आकार ले रही थी और इस होने वाले जुर्म का 4 साल पहले हुई 2 हत्याओं से एक अजीब कनेक्शन जुड़ने वाला था। 4 साल पहले हुए अपराधों का खुलासा बहुत अजीबोगरीब ढंग से होने वाला था। तो प्लान क्या है? कौन सा प्लान भाई? हाँ कोई प्लान प्लान नहीं हम लोग का। ए भाई मेरे को शेंडी मत लगाओ, कई दिनों से तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ मैं। ऐसे मत देखो यार, देखो मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ। देखो अपने को भी पैसा बनाने का है, साथ में काम करते हैं, यकीन मानो बहुत काम का आदमी हूँ मैं। देखो भाई सच बोलो, तुम खबरी हो ना? यार मैं खबरी लग रहा है क्या शक्ल से? हैं? तुम्हें क्या लगता है क्या करने वाले? कोई बड़ी आसामी पार्टी को लूटने का प्लान है तुम्हारा? और अगर मैं सही हूँ तो मानिकपुर में कोई शिकार ढूंढ रखा है तुम लोगों ने? सही जगह ढूंढी है? किसके घर में झाड़ू फेरने वाले हो? पीछे घर है तुम लोग का? इरादा पीछे आने का नहीं साथ आने का। बोलो क्या कहते हो? बोला था ना मैंने, ज्यादा नजर मारने के चक्कर में हम पे किसी की नजर पड़ेगी और करो मुआयना, सब इस राजू की गलती। अबे चुप चुप। देखे हीरो तूने ना कुछ ज्यादा ही सोच लिया, समझा ना, हम ऐसा कुछ करने वाला नहीं है। बहू देखो ये सबसे मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं तो मजदूर आदमी हूँ, मेरा नाम मत देना पुलिस को, ये सब इन दोनों का प्लान है। साला गिरगिट, मालूम था मेरे को पहले से कि कोई भी मुसीबत आएगी तो सबसे पहले तू ही पलटी मारेगा साला। अबे गब्बा सा आयला, ये देख भाई तेरे से ना कुछ एकदम सॉलिड मिस्टेक हो गया है, हम लोग मजदूर आदमी हैं, कोई प्लान व्लान नहीं हम लोग का। अरे भाई तुम लोग यार फालतू में घबरा रहे हो यार, भाई मैं कोई खबरी नहीं हूँ। भाई कसम खा के कहता हूँ अपना पुलिस से कोई लेना देना नहीं है, सच्ची बोल रहा हूँ, तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ मैं, साथ में काम करते हैं। क्या काम आ सकते हो तुम हमारे? पहले प्लान बताओ अपना, फिर बताता हूँ किस तरह काम आ सकता हूँ। माणिकपुरा में एक सोसाइटी है ग्रेसियस हाइट्स, उसके बीविंग में दूसरे मरले पर एक जौहरी रहता है प्रकाश मेहता। मालूम पड़ा है घर में काफ़ी जेवरात और रोकड़ा रहता है। तो गेट पे गार्ड तो होगा, उसका क्या करोगे? अबे क्लोरोफॉर्म से बेहोश करेंगे और क्या करेंगे? फिर क्या, घंटी बजाएंगे तो दरवाज़ा खुलेगा और कान के नीचे 2 बजाएंगे तो तिजोरी का ताला। बोलना बहुत आसान है करना बहुत मुश्किल, किसी ने कोई हरकत करी तो जब चाकू की नोक गर्दन पे पड़ेगी ना तो सांस भी पूछे बगैर नहीं लेगा। घर में कितने लोग हैं कुछ पता है? नहीं। फैमिली होगी, बीवी होगी, बच्चे होंगे? सो तो है। फिर किसी ने कोई हलचल करी कोई हरकत करी तो क्या करोगे? ऐसा कैसे शोर मचाएंगे, अभी दाट के खोपचे में बिठा देंगे वो लोग को। फिर भी किसी ने रायता फैला दिया तो क्या करोगे?
अभी उसके आगे क्या करने का है वो तो प्लान में होना चाहिए ना। है तुम में से किसी के अंदर गुर्दा कि चाकू घुसेड़ दे किसी के अंदर? देख बे शाने, हम लोग को ना खून खराबा नहीं करना है, चुपचाप पैसे लेना और निकल लेना है। समझ गया, तुम लोगों से नहीं होगा पर मेरे लिए बहुत आसान है। जरूरत पड़ी तो मैं चलाऊंगा चाकू, तुम तिजोरी साफ करना, मैं गला साफ करूंगा। मंजूर है? मैं गला साफ करूंगा, बोलने में क्या जा रहा है, जब करना पड़ेगा ना तब पता चलेगा। ए भाई कर चुका हूं। सही बोल रहे क्या? मतलब टपकाया क्या किसी को तूने? कहने को तो प्लान लूट का था, लेकिन इस लूट के प्लान की प्लानिंग किसी और मकसद से ही की गई थी। मकसद था एक जुर्म की जड़ तक जाने का। प्लान बनाया गया था यह पता लगाने के लिए कि किस जुर्म को अंजाम दिया गया था, और इस प्लान को एक्शन में लाया गया था 10 दिन पहले। ठीक 10 दिन पहले मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट बी को अपने एक भरोसेमंद खबरी से इंफॉर्मेशन मिली थी। बोलो करीम, सुबह सुबह घंटी बजे मतलब बड़ी खबर होगी। साहब खबर तो बड़ी है लेकिन थोड़ी कच्ची पक्की है। खबर सुना दे, पकाने का काम हम लोग कर लेंगे। एक टैक्सी वाला है, सुनने में आया है साले ने 2 गाड़ियां बेची थी 4 साल पहले। अभी 4 साल पहले चोरी की गाड़ी बेची थी, ये तेरी बड़ी खबर है? साहब गाड़ी के साथ साथ गाड़ी वाले को भी टपका दिया था उसने। मर्डर किया था? किसका? ये तो पता नहीं चला साहब, पर साला बहुत फुदक रहा था अपने फंटर के सामने। कल रात को बार में मिला था अपने फंटर को। लाना थे साला तेरे ऊपर, चेन चोरी में अंदर गया। तू एक काम कर, तू घर जा, तेरे से कुछ नहीं हो जा। अपन का धंधे में चलता है, दोबारा देखना। तू साला चिंदी चोर का चिंदी चोर रहे। ए काली अपनी बात ध्यान से सुन, देख ये छोटे मोटे लफड़े में हाथ डाल के ना कुछ नहीं हो, साला खाली हिस्ट्री शीटर बन के रह जाएगा, समझा? और जब भी कोई बड़ा लफड़ा होएगा ना, पुलिस तेरे को पकड़ के अंदर कर देगी। तो क्या करने का है? जो भी करने का है बड़ा करने का, समझा क्या? ये 2-2 हजार की चेन लूट के ना कुछ नहीं होगा, साला बड़ा हाथ मारने का, लाखों का खेल खेलने का, और नौबत आई ना किसी को टपकाने की तो टपका देने का, सारा कोई वादा नहीं। पैसा रहेगा ना तेरे पास तो किधर भी अंडरग्राउंड हो सकता है तू, साला पुलिस छू भी नहीं पाई तेरे को। कुछ भी बोलता है यार तू, हलवा किसी को टपकाना, कभी टपकाया किसी को? बात करता है। ए, मारा है ना, वो भी एक को नहीं 2 को, फिर भी क्या हुआ? बैठा ना मैं इधर तेरे सामने। वो खुद अपने मुंह से बोला साहब। मर्डर किसका किया था ये तो पता नहीं, लेकिन दारू के नशे में था तो फेंक नहीं रहा था ये पक्का है। 2-2 मर्डर, कब किए ये मर्डर? 4 साल पहले। क्या बिगाड़ लिया पुलिस ने मेरा, साला बिंदास घूमता हूँ। अब करोड़ों का आबादी है, एक आधा उधर गायब भी हुआ तो चलता है, साला अपनी बीवी को नहीं मालूम, पुलिस को क्या खाक मालूम चलेगा। साहब इतना बताए 2 मर्डर किया था 4 साल पहले। नाम क्या बताया उसका? गौरव रमन, यही विक्रोली में टैक्सी चलाता है। ठीक है देखता हूँ। अगर बड़ा हाथ मारना है तो बड़े से बड़े खतरे के लिए तैयार रहना पड़ेगा, जान से भी मारना पड़े तो भी। तो क्या सच में तूने किसी को? 2 लोगों को, ऊपर पार्सल, और पुलिस को पता भी नहीं चला, और ना कभी पता चलेगा। गौरव रमन नाम है टैक्सी वाले का, ये रही उसकी हिस्ट्री। मारपीट लड़ाई झगड़े में 3-4 बार अंदर आ चुका है, अब पता चला कि उसने 2 मर्डर भी किए। हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि बिना डरे सबको ढोल बजा के सुना रहा है कि पुलिस उसे छू भी नहीं पाए। इस गौरव को उठा भी नहीं सकते सर, कोई सबूत तो है नहीं उसके खिलाफ, बात को भी 4 साल हो गए, और जो इतना उछल रहा है तो जरूर मोटी चमड़ी का होगा, आसानी से मुंह भी नहीं खुलेगा। सर किसका मर्डर किया था इसने, किस एरिया का केस था, कुछ पता है? कुछ भी नहीं पता सर। गौरव समझता है कि इसने पुलिस को 2 बार चकमा दे दिया तो वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, इसकी गलतफहमी दूर करनी पड़ेगी। हाँ पर कैसे? सर क्यों ना इस बार हम उसे चकमा दे, फंसा थे उसे। चूहे को अगर पिंजरे में बंद करना है तो रोटी दिखलानी पड़ती,
ललचाना पड़ता है। कोई भी अपराधी जुर्म की खुशबू दूर से सूंघ लेता है। प्लान बनाओ, इसे लगना चाहिए कि कोई तगड़ा कांड होने जा रहा है और इसे अच्छे पैसे मिलने वाले। एक बार इसे भनक लग जाएगी ना, फिर देखो चुंबक की तरह खींचा चला आएगा पिंजरे में। इस ऑपरेशन का पहला कदम था टैक्सी ड्राइवर गौरव रमन को ढूंढ निकालना। को लोकेट करने के बाद कुछ दिनों तक उसकी सारी मूवमेंट्स नोट की गई। आमतौर पर विक्रोली स्टेशन से सवारी उठाता है, तुलसीनगर एरिया में भी काफी आना जाना है उसका। रहता भक्ति नगर चौल में है। बीवी का नाम सुनीता है, एक 4 साल का बेटा है महेश। सर तुलसीनगर एरिया में एक कंस्ट्रक्शन साइट है, मजदूर बन के सवार होते उसकी टैक्सी में। हाँ, और किसी पॉश एरिया के घर को लूटने का प्लान सुनाते हैं। मजदूर का गेटअप और लूट की कहानी सही है, अब बन रहा है ड्रामा। कुछ दिन तक रोज उसकी टैक्सी में जाएंगे भाड़े से, टैक्सी में ही प्लान डिसाइड करेंगे। जुर्म की फितरत नशे की तरह होती है, देखना अगर सब सही रहा ना अपने आप खींचा चलाएगा हमारे जाल में। 2 मर्डर किया और पुलिस ने कुछ नहीं कहा तेरे को? चल कुछ भी, मुझे लगता है तू फेंकता है। हाँ, या फिर हमें फंसा रहा है। मुझे तो अभी लगता है ये पक्का खबरी है, फालतू का स्टोरी सुना रहा है। अरे क्या यार, तुम लोग एक ही रट लगा के बैठे हुए हो यार, नहीं हो कोई खबरी में। चलो एक मिनट के लिए मैंने तेरी बात मान ली, अब ये बता तूने दोनों मर्डर अकेले कर दिए? नहीं, 2 साथी और थे मेरे, मगर बॉस मैं था। तो तू उनके पास क्यों नहीं जाता हाथ मारो? हमारे पास क्या है, इधर क्यों आया? क्योंकि वो साले बेवकूफ थे, चढ़ गए पुलिस के हत्थे, अभी सड़ रहे जेल में। उन उल्लुओं को अकल ही नहीं थी, अभी गए अंदर लंबे टाइम के लिए। तो उन लोगों ने पुलिस को तुम्हारा नाम नहीं दिया? कैसे बताते, उन दोनों को मैंने अपना नाम तो कैलाश बताया था। अब जब वो दोनों पकड़े गए तो पुलिस ने 3रे साथी का नाम पूछा, तो उन्होंने कहा कोई कैलाश था जो टैक्सी चलाता है। फिर क्या, पुलिस निकल गई कैलाश को ढूंढने के लिए। मालूम क्या साला, हद तो तब हो गई जब एक खबरी अपने पास ही आके पूछता है, भाई कैलाश को जानते हो क्या? कोई कैलाश करके एक बंदा है। कैलाश क्या? मालूम क्या, मैं उसको बोला कि भाई घाटकोपर में जाकर ढूंढ, उधर मिलेगा। अभी ढूंढता रहेगा जिंदगी भर। साला तू अपने साथियों को फंसा सकता है, क्या गारंटी हम लोगों ने फंसाएगा? भाई मैंने नहीं फंसाया उनको, वो फजल को मैंने बोला था कि फेंक दे मोबाइल। आजकल साला पुलिस ये मोबाइल से सारे केस सॉल्व कर देती है, लेकिन सुनी नहीं उन्होंने मेरी। जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, ये समझाना इसको यार। अरे कुछ नहीं होगा यार, अरे मैं से बापरूंगा नहीं, बेच दूंगा। अरे देख ये मेरा जिम्मा है, तू टेंशन मत ले, ठीक है? लेकिन साले ने मोबाइल बेचा नहीं, 2 महीने बाद खुद का सिम कार्ड डाल के चालू किया। फिर क्या, पुलिस ने ट्रेस कर लिया मोबाइल, गया भी अंदर। अब ये मत कहना कि तू नहीं जानता अशोक कदम कौन है, क्योंकि जो हश्र तुम लोगों ने इसका किया था उससे भी बुरा करूंगा तेरा। बोल! मैं मानता हूं साहब कि मैंने मोबाइल चुराया, लेकिन उसका खून मैंने नहीं किया साहब, मां कसम मैंने नहीं किया साहब। अब सही गाना गा रहा है, बताओ कौन था तेरे साथ? साहब वो अंकित यादव और कैलाश, ये पूरा प्लान कैलाश का था साहब। कहां मिलेंगे? साहब मुझे सिर्फ अंकित का पता मालूम है। आज तक सड़ रहा जेल में और पुलिस ढूंढ रही है कैलाश को, अब कैलाश तो मिला नहीं, क्योंकि कैलाश तो कोई है ही नहीं। क्योंकि कैलाश तुम हो। वो था कौन? अपने को क्या मालूम कौन था, अपने लिए तो बकरा था,
भूख लगी थी तो सामने आ गया, हलाल कर दिया। कब किया ये? 2011 में। मैं, अंकित और फजल इगतपुरी गए थे ऐश मारने, मगर दो दिन के अंदर सारा रोकड़ा खलास। ए भाई, अब उनके पास तो सिर्फ 80 रुपए बचे हैं। इधर देख, मेरे पास सिर्फ 150 रुपए बचा है और अपने पास 120। आइला, पिलोच का भाड़ा भी देना है, 300 रुपए तो उधर ही चला गया और बाकी का बचा 50 रुपए। ये इन 50 रुपए में अब उन तीनों का ना तो एक टाइम का खाना होगा और ना पीना, और मुंबई जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, फिर से भिखारी बन गए हम लोग। भाई ऐसे खाली बैठ के तो कुछ नहीं होगा, बाहर निकलते हैं और करते हैं कोई झोल। अरे यार कैलाश, कब से पैदल चल रहे हैं यार, और कितना पैदल चलना पड़ेगा? क्या पैदल ही जाएंगे अपन मुंबई? यार देख, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या? एक काम करते हैं, आगे को या तो एटीएम होगा या पेट्रोल पंप, वहां पर कोई ना कोई शिकार जरूर मिल जाएगा हमें। अबे येड़े पागल है क्या तू? अबे उधर सिक्योरिटी मिलेगी, वो भी बंदूक के साथ, और वो सीसीटीवी कैमरा बात करता है। सुनो, एक काम करते हैं। क्या? किसी छोटे मोटे गल्ले को लूट लेते हैं, अबे कुछ तो पैसा मिलेगा। चलो चल। हम शिकार की तलाश में घूम रहे थे तभी अचानक सामने से एक गाड़ी हमारी ओर आती दिखी। भाऊ किधर जा रहे हो? तुम लोगों किधर जाना है? मुंबई लेके चलोगे? एक आदमी का 75 रुपए लगेगा। मंजूर है तो बैठो। हाँ मंजूर है, मंजूर है। ए बैठ रहे, बैठ रहे। चलो रे भाऊ। दिमाग में आया क्यों ना इस ड्राइवर और उसकी गाड़ी को ही लूट लेते। हम हल्का होने के बहाने गाड़ी से उतरे। गाड़ी में एक लंबा वायर पड़ा है, उसी से गला घोट देते हैं साले का। भाई ड्राइवर के गले में चैन है और हाथ में अंगूठी भी। अब तो इसी गाड़ी में मुंबई जाएंगे और गाड़ी में बिकवा दूंगा, वो भी बढ़िया दाम में। ठीक है तो लग जाते हैं काम पे। चलो। तो भाई चले? अब गाड़ी मैं चलाऊंगा। तो ये थी उस ड्राइवर की कहानी। अपने को तो उसका नाम भी मालूम नहीं था, वो तो अगले दिन अखबार में पढ़ा तब मालूम चला कि अशोक कदम नाम था। चार साल हो गए और तुझे किसी ने छुआ भी नहीं? अब हुआ ना भरोसा मेरी बात का? भाई मुझे तो पूरा भरोसा है इस पे। तुम लोगों को क्या लगता है? मेरे को भी पूरा भरोसा है। ए राजू क्या बोलते तू? यार तुम लोग इसकी बातों में मत आओ, इसका भरोसा कैसे कर सकते हैं? अरे यार तू मेरी बात समझने की कोशिश कर यार, तुम तीनों की तरह मेरे पास भी पैसों की कड़की चल रही है, इसलिए भाई मैं आया हूँ सामने से। तुम तीनों को मेरी ज़रूरत है और मुझे तुम्हारी, और सिर्फ मैं ही हूँ जो पुलिस को चकमा देने में माहिर हूँ। बोल। ठीक है, ये हुई ना बात यार। ज़रा जानने को दिल कर रहा है, ये अशोक कदम के बाद दूसरे और किसको ठिकाने लगाया आपने? हाँ गौरव भाई कौन था? चल बता बता अभी बहुमत का बोल। पुष्कर पटेल नाम था उसका, अंगड़िया चलाता था, पैसे देता था उधार पे, मेरे को भी दिए थे टैक्सी के लिए। देख कैलाश, 6 महीने की बात हुई थी अपनी, आज 8 महीने हो गए, तूने एक किस्त भी नहीं लौटाई। पुष्कर सेठ अभी धंधा जमा नहीं है ढंग से, थोड़ा सा वक्त और दे दो बस। तुम्हारा धंधा नहीं जमा, तुम्हारा नसीब है भाई, मेरा क्या कसूर है? तुमने कहा था 6 महीने में 6 लाख रुपए लौटा दूंगा, 6 रुपए नहीं दी तुमने,
मेरे पैसे नहीं मिले ना तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा, टैक्सी उठा ले जाऊंगा तुम्हारी। पुष्कर सेठ तुम ठंडे हो जाओ ना थोड़ा, काय को अपना बीपी बढ़ा रहे हो? एक हफ्ते का तो वक्त मांग रहा हूँ खाली। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक हफ्ता, इससे आगे एक दिन नहीं मिलेगा। आप टेंशन मत लो, मिल जाएगा। अशोक कदम का गाड़ी बेच के 3 लाख आता है, जिसके 3 हिस्से हुए, अपने हिस्से आए 1 लाख। उधर घर में बीवी की किचकिच चालू थी, पैसों के बांधे हो गए थे। फिर क्या किया तूने? फजल को बुलाया। देख कैलाश, मैं तेरे साथ है, पर मेरे को क्या मिलेगा? पुष्कर सिंह बहुत बड़ा आदमी है, मैं उसको पैसा देने के बहाने बाहर बुलाऊंगा, ठीक है? वो अपनी गाड़ी लेके आएगा, अपन उसको मुंबई के बाहर लेके जाएंगे और किसी सुनसान जगह पे ले जाके टपका देंगे। अभी उसके पास से जो भी मिलेगा, पैसा गाड़ी, अपना आधा आधा बांट ले। वैसे भी क्या, मैं खाली बैठा हूँ, अभी बता करना कब है? अरे वाह कैलाश, क्या बात है, सामने से फोन किया, वो भी हफ्ता होने से पहले। मुझे तो लगा तू खा गया मेरे 6 लाख, और मुझे जाना पड़ेगा पुलिस में तेरी शिकायत करने। क्या सेठ, तुम भी गरीबों को पुलिस का उल देते हो, तुम्हारे पैसे तो लौटा नहीं थे। तो पैसे लेकर आ जाओ ऑफिस। सेठ एक छोटा सा प्रॉब्लम है। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है? वो पैसे विक्रोली में नहीं, खोपोली में है। खोपोली क्यों? वो क्या ना सेठ, अपना एक दोस्त आ रहा है उधर किसी बिजनेस के काम से, उसके पास रोकड़ा है लेकिन टाइम नहीं है, तो अपन को जाके लेना पड़ेगा उधर। तो तू अपनी टैक्सी में लेके आना। वही तो राड़ा है ना सेठ, अपना टैक्सी गैराज में है, तो मैं सोच रहा था आपके साथ जाके ले आता हूँ, वैसे भी 1.5 घंटे का रास्ता है, क्या कहते हो? सेठ अपना दोस्त है ना, बहुत पहुंची हुई चीज है, वो शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, तुमको अच्छा लगेगा उससे मिलके, क्या कहते हो? ठीक है, बता कल कब चलना है। सेठ जी, वो आगे वाले नाके पे ना अपना एक दोस्त मिलेगा, उसको भी जाने का खोपोली। क्यों? उसको मिलने का ना अपने दोस्त को, शेयर मार्केट में पैसा लगाता है ना, ये आगे वाले नाके पे खड़ा होगा। देख टैक्सी तू चलाता है, मैं नहीं, मैं क्यों लिफ्ट दूँ किसी को? क्या सेठ जी, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, अरे दोस्त है अपना, अभी अपने साथ साथ उसका भी काम हो जाएगा ना। अरे फजल बैठ। लो आ गया खोपोली, अब कहाँ जाना है? बरखा हिल पे ले लो सेठ जी, वहीं आने वाला है दोस्त अपना। बरखा हिल? कहाँ है तेरा दोस्त? एक मिनट। हाँ सेठ। हाँ क्या रे पंकज, किधर है? और क्या, हम तो पहुँच गए। हाँ आजा 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 आजा। हाँ सेठ जी इंतज़ार कर रहे हैं। सेठ 5 मिनट में आ गया बस। 5 मिनट? ये ले, तेरा 1.5 पेटी। क्या बात है, आजकल तू हर महीने एक नई गाड़ी पे हाथ मार रहा है। आपकी मेहरबानी है गुरु भाई। अरे इकबाल, गाड़ी का नंबर प्लेट बदल सबसे पहले, और हाँ दो बंदे लगा दे गाड़ी का पूरा हुलिया चेंज करने के लिए। पटेल की गाड़ी बेच के जो भी माल मिला हमने आधा आधा कर लिया,
चार साल हो गए, पुलिस को आज तक भनक नहीं लगी। लेकिन फजल तो अंदर है, उसने इस बारे में अगर बोलेगा तो डबल मर्डर का चार्ज लग जाएगा ना। और उसका वो दोस्त कैलाश, वो तो आज तक मिला ही नहीं पुलिस को। कैलाश तो भाई सारा बिल तो उसी के नाम पे बटेगा। गौरव मुझे ये बता कि दोनों गुन तूने आसपास में ही किए था ना। हाँ, वो अशोक को 2011 के पहले महीने में टपकाया और वो पटेल को दूसरे महीने में पार्सल। सारा चार साल हो गया, पुलिस अपने एक इंच भी पास नहीं आ पाई। चल बता, अपने बीच में फासला कितना है? मतलब डिस्टेंस रे कितना है? क्या बोल रहा है सुरेश? अबे कोचू, तेरी गलत फहमी दूर कर रहा हूं, पुलिस तेरे बिल्कुल पास है और तेरी चारों तरफ। क्या हो क्या रहा है सब? चकमा, जो आज तक तू कानून को देता आया और जो अब हमने तुझे दिया है। ए, सुरेश। सुरेश नहीं रे, सब इंस्पेक्टर सुरेश कांबड़े। गौरव रमन, तेरा मीटर डाउन। तुम पुलिस वाले हो, सारा नाटक मुझे फंसाने के लिए किया था ना। वो मानिकपुर का मुआयना, वो प्लान की बातें, सब झूठ था। तेरे चेहरे पर ये हैरानी देखकर अच्छा लगा। पुलिस को चकमा देने में बहुत माहिर है ना तू, गौरव उर्फ कैलाश। आज खुद कैसे चकमा खा गया, अब मार खाएगा। क्या कहता था तू, पुलिस तुझे छू नहीं सकती? फिकर मत कर गौरव, छुएंगे तो अब भी नहीं, बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। अब बात डंडे से होगी। गौरव रमन की पत्नी एक सीधी सादी औरत थी। वो जानती थी कि उसका पति थोड़ा सनकी है, अपने परिवार के प्रति गैर जिम्मेदार है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसके हाथ दो इंसानों के खून से रंगे हुए थे। उसे यह हकीकत जानकर काफी गहरा सदमा लगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो एक गुनहगार के साथ जिंदगी बसर कर रही थी। उस रात अशोक कदम को नासिक की सवारी मिली थी, जिसे ड्रॉप करके वो मुंबई वापस लौट रहा था। कुछ और पैसे कमाने की उम्मीद में उसने गौरव और उसके साथियों को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी। वो उन लोगों के इरादों से बिल्कुल अनजान था। जब गौरव ने रास्ते से अपने दोस्त फजल को पिक करने की बात कही, तब एक पल के लिए यह बात पुष्कर पटेल को जरा खटकी थी। उसे हल्का सा शक हुआ था गौरव के इरादों पर। गौरव ने जब पैसे लेने के लिए खोपोली जाने की बात कही थी, तब भी पुष्कर को उस पर शक हुआ था। लेकिन अपने उधार दिए हुए पैसे वसूलने की चाह में पुष्कर ने गौरव के साथ खोपोली जाने की बात मान ली। अशोक कदम का परिवार जानता था कि अशोक की हत्या लूट के इरादे से हुई थी, और हत्या के मुख्य आरोपी गौरव की गिरफ्तारी से उन्हें आखिर वो तसल्ली, वो सुकून मिला जिनका उन्हें चार सालों से इंतजार था। दूसरी ओर पुष्कर पटेल के केस में उसके परिवार को चार साल बाद इस बात का पता चला कि पुष्कर की मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या थी। सच कहें तो जब उन्होंने हमें बताया कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, तो हमें भी इस बात का विश्वास नहीं हुआ था। सर, हमने कई बार मांगी थी इस केस को री इन्वेस्टिगेट करने की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, आपका शक बिल्कुल सही था। ना ही आपको पता था, ना ही पुष्कर जी के स्टाफ को पता था कि उस दिन वो खोपोली क्यों गए थे, और शक करने वाला कोई भी एंगल सामने नहीं आया था, इसलिए किसी ने ये नहीं सोचा कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। हमें इस बात का बेहद अफसोस है कि सच्चाई सामने आने में बहुत वक्त गुजर गया, पर अब गुनहगारों को हमने पकड़ लिया है और उनके गुनाहों की सजा उन्हें दिलवा कर ही रहेंगे। अशोक कदम के केस में गौरव, फजल और अंकित पर हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302, सबूत मिटाने के लिए धारा 201 और लूट या डकैती के इरादे से हत्या या गंभीर चोट पहुंचाने के लिए धारा 397 लगाई गई है। पुष्कर पटेल का केस, जो एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट हुआ था, उसे बतौर मर्डर केस फिर से रीओपन किया गया, और इस केस के आरोपी गौरव रमन और फजल खान पर हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302, सबूत मिटाने के लिए धारा 201 और लूट या डकैती के इरादे से हत्या या किसी को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए धारा 397 लगाई गई। पुष्कर पटेल और अशोक कदम का केस अलग अलग एरिया के पुलिस थानों में दर्ज हुआ था, और वो भी 2011 में, और फिर चार साल बाद किसी और ही एरिया की मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट बी के हाथ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लगी,
कि गौरव रमन नाम के एक टैक्सी ड्राइवर ने दो हत्याएं की हैं। उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि हत्या किन दो लोगों की हुई है, लेकिन दाद देनी होगी मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट बी के अफसरों की, जिन्होंने बड़ी ही मुस्तैदी और चतुराई से एक ऐसा प्लान बनाया कि मुजरिम खुद ब खुद उनके जाल में आ फंसा। और यही नहीं, 4 सालों से कानून को चकमा दे रहे अपराधी से मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट बी ने बड़ी ही चालाकी से इकबाले जुर्म भी करवाया। फिर एक बार ये डंके की चोट पर साबित हुआ कि क्राइम नेवर पेज। कुछ वक्त तक अपने जुर्म की सजा से बचने में कामयाब रहा अपराधी अगर ये सोचने लगे कि कानून उसके गिरेबान तक कभी नहीं पहुंच पाएगा तो ये सिर्फ उसकी गलतफहमी है, जैसे कि इस केस के मुजरिम को थी। 4 साल तक वो कानून से बचता रहा, लेकिन आज वो जेल की सलाखों के पीछे है और केस का ट्रायल जल्द ही शुरू होने वाला है। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।